वेलकम बैक गाइस, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं हरनूर सिंह और आज हम बात करने वाले हैं उन फ्रीलांसिंग स्किल्स के बारे में जिसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, जो आप आसानी से जिसमें अंदर फ्रीलांसिंग कर सकते हैं और अच्छा अर्न कर सकते हैं। तो चलिए, पहले स्किल की जो मैं बात करने वाला हूँ वो है यूट्यूब इंट्रो वीडियोज़। हर किसी को इंट्रो चाहिए या हर किसी को इंट्रो बनाना है। हर कोई चाहता है कि वो इंट्रो अच्छे से बनाए, अच्छे से लगे उसका जब भी कोई आए। तो मेनली कोई भी बंदा अगर YouTube पे आता है तो उसका मेन मकसद यही रहता है कि वो YouTube पे जो देख रहा है वो अच्छा लगे। और अच्छा तभी लगता है जो वो YouTube की स्टार्टिंग में अच्छा देख के। अगर उसे स्टार्टिंग में ही ऐसा कुछ दिख रहा है तो वो क्यों आएगा यार। तो इसीलिए लोग हायर करते हैं, चाहे किसी का पर्सनल चैनल हो चाहे कोई बिजनेस का चैनल, वो यूट्यूब इंट्रो का हायर करते हैं। सो इसके बहुत अच्छा स्कोप है, आप देख सकते हैं चलिए स्क्रीन पे। और ये रहा, यहाँ मैं अगर टाइप करूँ हमारी यूट्यूब इंट्रो वीडियोस या फिर कोई भी इंट्रो वीडियोस मैं टाइप करता हूँ तो देखते हैं क्या आता है। आएगा तो वही यार जो सर्च किया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरह लोगो इंट्रो वीडियोज़ आ रखा है और भी बहुत सारे कि आई विल क्रिएट सिनेमैटिक इंट्रो प्रोमो वीडियो एंड शॉर्ट वीडियो एड्स। तो यही सब चीज़ें जो एड्स लोग बनाते हैं, करते हैं, इंट्रो के लिए काम करते हैं, इंट्रो के लिए हायर करते हैं, ठीक है। तो इसका बहुत अच्छा स्कोप है, लोग करते हैं, आप इसमें काम कीजिए, प्लीज़ कीजिए। तो आप इतने देख सकते हैं कि आई विल डू यूट्यूब वीडियोज़ और आप इसको ओपन करके मैंने दिखाया 780 रुपीज़ है यार। स्टैंडर्ड के अंदर पता नहीं इतने ज़्यादा अमाउंट लेते हैं, बहुत सारे प्रीमियम में लेते हैं। और यहाँ आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन को देखिए यार, और अच्छे से देखिए कितने अच्छे से लोग काम कर रहे हैं, कितना अच्छा अर्न कर रहे हैं, 340 रुपये अर्न कर रहे हैं। आप कहाँ पीछे हटें, कोई ना कोई तो स्किल बनाइए। आप ये स्किल बनाइए, बहुत ही अच्छी है और इसके लिए बहुत ही अच्छा, इसके लिए इतनी बड़ी स्किल नहीं चाहिए यार, छोटे से चीज़ें पर हो सकता है, ठीक है। तो और सेकेंड की जो मैं बात करूँ वो है YouTube थंबनेल्स। YouTube थंबनेल्स हम सब जानते हैं कि हर वीडियो के लिए अगर YouTube थंबनेल नहीं है तो वो वीडियो देखने के लिए कोई भी उत्सुक नहीं होता। सो हर किसी को एक कैची थंबनेल चाहिए। तो आइए हम स्क्रीन पे देखते हैं कि कैची थंबनेल लोग बनाते हैं या क्या करते हैं। यूट्यूब थंबनेल मैंने टाइप किया हुआ है और यहाँ आप देख सकते हैं कि लोग क्लिक बेट थंबनेल, लोग 780 रुपीज़ आप देख सकते हैं अर्न कर रहे हैं। और भी अलावा आई विल डिज़ाइन वायरल यूट्यूब थंबनेल 390 रुपीज़ के अंदर। तो लोग कर रहे हैं ये सब, आप भी कीजिए, आप पीछे मत हटिए। थंबनेल का बहुत क्रेज है, बहुत लोग चाहते हैं और ये अच्छी स्किल है। स्किल तो है ही नहीं है, क्या करना है इसमें। हम सबको पता है कि हमें कैसा थंबनेल पसंद होता है जब हम क्लिक करते हैं, तो वही चीज़ है, वही चीज़ क्रिएट करनी है। सो इन सब चीज़ों को देखिए। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले जो थर्ड है वो है डेटा एंट्री। इसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, आपके पास कोई लैपटॉप या कंप्यूटर हो आप आसानी से डेटा एंट्री कर सकते हो। तो इसके अंदर कोई भी है, जैसे मैं यहाँ अब स्क्रीन पे टाइप करता हूँ डेटा एंट्री, तो देखते हैं कौन सी जॉब्स आती हैं, क्या उसके अंदर काम होता है, क्या लोग करते हैं। तो यहाँ आए तो आप देख सकते हैं कि डेटा एंट्री की जॉब्स कितनी सारी है कि आई विल डू डेटा एंट्री एंड वर्चुअल असिस्टेंट। और भी इसके अलावा कितने सारे यार डेटा एंट्री एक्सपर्ट लोग मांगते हैं और भी बहुत सारी इसकी स्किल के अंदर काम करते हैं। डेटा एंट्री के लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, आप सिर्फ बैठे रहो और टाइप करते रहो और आप अच्छा एंड में कर सकते हो। देखो यार 780 रुपीज़, 390 रुपीज़ के लोग डेटा एंट्री का कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आप अच्छे से कर सकते हो। लोग क्लाइंट को ना टाइम सेव करना होता है कि मेरा टाइम से वो, इसलिए वो हायर करता है डेटा एंट्री वालों की। डेटा एंट्री आप डेटा को एंटर करना, आपको इसके पैसे मिल जाएंगे। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं रिमूव बैकग्राउंड। बैकग्राउंड को रिमूव करना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई तीर मारने जैसी चीज़ नहीं है। आपको कैनवा में आसानी से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। जैसे कि मैं बैठा हूँ तो पीछे का जो भी बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। आप बिल्कुल कैनवा की मदद से कर सकते हो, इसके लिए कोई बड़ी स्किल नहीं चाहिए, आसानी से कर सकते हो। तो ये कोई चीज़ इतनी बड़ी नहीं है, तो इसके लिए कोई स्किल नहीं चाहिए, आप आसानी से अर्न कर सकते हो। जैसे हम आते हैं तो यहाँ देखिए रिमूव बैकग्राउंड में टाइप करता हूँ, देखते हैं कि लोग कितना अर्न कर रहे हैं उसके लिए, कितना काम कर रहे हैं। तो सर्च किया तो आया नीचे इतने सारे, आप देख सकते हो यार कितने रिमूव बैकग्राउंड के लिए 390 रुपीज़, 390 रुपीज़।
कोई माड़ी है, कितना अच्छा है यार, इतने आसान कोई स्किल नहीं है और आसानी से इतना लोग कर रहे हैं, ये कोई बड़ी स्किल नहीं है, आप देखना ट्यूटोरियल इसका, वो कोई स्किल कह ही नहीं सकते हम इसको, ठीक है। और नेक्स्ट हम जो बात करने वाले हैं वो है बिजनेस नेम एंड स्लोगन्स। लोग बिजनेस नेम लोगों को चाहिए, क्लाइंट्स को चाहिए, उनके लिए वो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उसके लिए चाहिए, उनके लिए अगर कोई बिजनेस खड़ा कर रहे हैं उसके लिए चाहिए, स्लोगन चाहिए कि कौन सा परफेक्ट हो सकता है। आप रिसर्च करोगे कि हाँ नेम ये मैच कर रहा है। तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं कि लोग बिजनेस नेम पे ऊपर क्या करते हैं। सो ये आई बहुत सारी जॉब्स हमारी आ रखी हैं, तो आई विल क्रिएट ए स्ट्रॉन्ग बिजनेस नेम। और ये देखिए 15,206 रुपये यार बिजनेस नेम के लिए, तो कितनी अर्निंग बड़ी बात है यार। अगर इसको एक दिन में क्लाइंट मिला है तो 15,000 तो एक दिन का ही बन गया, और सिर्फ बिजनेस नेम कितने अच्छे अर्न कर, 1,340 रुपये, 1,560, कितना ज़्यादा अर्न कर रहे हैं यार बिजनेस नेम के लिए। और कोई स्किल है ये नहीं है यार, ये छोटी चीज़ें हैं जो हर कोई सीख लेता है, सीखने में कोई है ही नहीं, हर लर्निंग इज द अर्निंग, ये चीज़ है। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 6th जो है प्रूफ रीडिंग। प्रूफ रीडिंग के अंदर ये चीज़ रहती है मेन कि आपको उसके अंदर देखना है कि क्या प्रूफ जो उन्होंने राइट किया है वो सही है, उसके अंदर कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं है। तो हम देखें इसके लिए क्या क्या जॉब्स है, और इसके अंदर बहुत सारी जॉब्स है जैसे प्रोफेशनल प्रूफ रीडिंग इन वन डे, और इसके लिए कितना लोग देखो यार कितना चार्ज करें, 340 रुपये, 1,560 रुपये। एडिट प्रूफ रीडिंग फॉर योर राइटिंग, लोग स्पेलिंग मिस्टेक्स देख सकते हैं कि क्या कहाँ क्या आना चाहिए वो सब है यार। इतनी इंग्लिश अच्छी है तो आप ये सब अच्छे से कर सकते हो और आसानी से कर सकते हो, अच्छा अर्निंग कर सकते हो। फर्स्ट क्लाइंट मिलना मुश्किल होता है थोड़ा सा, तो हार मत मानिए, उसके अंदर बने रहिए, एक स्किल में अंदर बने रहिए। फिर स्किल नहीं है फिर कह रहा हूँ, आसानी से कर सकते हो, कोई बड़ी स्किल नहीं है, छोटी छोटी स्किल। तो नेक्स्ट हम बात करना है सबटाइटल्स। हर किसी को सबटाइटल चाहिए यार, हर किसी के सबटाइटल करने हैं, और आप सबको पता है कि YouTube वीडियोस के लिए लोग सबटाइटल ज़रूर करते हैं, और हर किसी के पास टाइम नहीं होता कि YouTube क्रिएटर जो बड़ा है उसके पास टाइम नहीं होता कि वो बैठ के YouTube की सबटाइटल लिखे, तो आप उसके अंदर काम कर सकते हो, उसके अंदर जो कर सकते हो। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कैनवा। कैनवा सुना होगा आपने, नाम तो सुना ही होगा कैनवा का, फेमस है, लोग चाहते हैं इसको, क्लाइंट्स इसके अंदर काम करवाना चाहते हैं, खुद कैनवा मेंशन किया जाता है कि कैनवा में आप काम कीजिए ये सब। और फ्रीलांस इसके अंदर ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं बनना आपको, इसके अंदर आपको सिर्फ कैनवा सीखना है और किस तरह अच्छे से कर सकते हो। आप देखिए किस तरह के जॉब्स हमें कैनवा में मिल सकती हैं। सो यहाँ मैंने देखा तो वो कह रहा है कि आई विल डिज़ाइन एनी थिंग इन सोशल मीडिया, आई विल डिज़ाइन एनी थिंग इन कैनवा। तो कोई भी आप स्किल सीखते हैं, इसके अंदर पोस्टर डिज़ाइन हो सकता है, इसके अंदर ईमेल टेम्पलेट्स हो सकते हैं, इसके अंदर आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, सोशल मीडिया पोस्ट कर सकते हो, तो ये सब चीज़ें आप कर सकते हो। सो इन सब चीज़ों के लिए कैनवा को बड़ी चीज़ नहीं है, छोटी स्किल मैं कहूँगा, क्योंकि एज ए ग्राफिक डिज़ाइनर अगर कोई लर्न करना चाहता है तो उसको बहुत ज़्यादा लर्न करना पड़ता है। तो इसके लिए आप आसानी से छोटा सा सीख के हफ्ते में, हफ्ता भी नहीं यार, दो दिन किसी ने देख लिया यार ऐसे ऐसे करना है, वो आसानी से शुरू कर सकते हैं फ्रीलांसिंग इसके अंदर। सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है रिसर्च। हर किसी को रिसर्च करवानी होती है, मार्केट साइज देखना होता है कि क्या चल रहा है, प्रोडक्ट कौन सा चल रहा है, लॉन्च कौन सा किस टाइम पे कर सकते हैं, कि अगर हम अब सैनिटाइज़र लॉन्च करेंगे तो चलेगा, या फिर कोरोना से पहले कितना डिमांड अब कितनी है, और अगर हम अब कार इसको बेचते हैं तो क्या इसकी डिमांड ज़्यादा रहेगी, या फिर ये सब रिसर्च होती है। और रिसर्च सिर्फ बड़ी चीज़ों की नहीं, छोटी चीज़ों की भी होती है, ब्लॉग्स की हो सकती है, कोई भी राइटिंग आपको आर्टिकल लिखना है उसके लिए हो सकती है। क्लाइंट्स को चाहिए कि उन्हें ज़्यादा मत्था ना मारना पड़े, वो आसानी से रिसर्च किसी और को दे दें और अपना उस पर काम करते रहें। तो चलिए इसके अंदर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें रिसर्च के लिए लोग करते हैं और कितना अर्न करते हैं। तो यहाँ मैंने रिसर्च टाइप किया और ये देखा कि कितने सारे रिसर्च कह रहे हैं, 340 रुपये ले रहे हैं यार। मार्केटिंग मैनेजमेंट और मार्केटिंग रिसर्च है यार, फ्लेक्सिबल रिसर्च सपोर्ट कार्ड है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। कितने रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के लिए कितना अर्न कर रहे हैं,
तो आप भी इस चीज़ों को ट्राई कीजिए, देखिए कि क्या क्या किया जा सकता है। और सो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं यूजेबिलिटी टेस्टिंग। यूजेबिलिटी टेस्टिंग होता ये कि आपको टेस्ट करनी है चीज़ें, चाहे वो गेम हो सकती है, वेबसाइट हो सकती है, ऐप हो सकती है, कोई भी आपको टेस्टिंग करनी है और उसके अंदर आप अच्छे कर सकते हैं। देखिए स्क्रीन पे कि आई विल टेस्ट योर गेम और ऐप एंड गिव प्रोफेशनल फीडबैक, ये सब चीज़ें कर सकते हैं। लोग अर्न कर रहे हैं 1798 रुपये, कितने अच्छे चार्ज है, लोग कर रहे हैं। अरे ये छोटी चीज़ नहीं है ये, आप अर्निंग इज द लर्निंग, अर्न करो, इन सब चीज़ों से करो, देखो इतने ज़्यादा ऑप्शन है अर्न करने के। आप कहाँ पीछे पड़े हुए हैं, आप ये स्किल सीखें वो स्किल, एक स्किल को पकड़े उसको करते रहिए साइड वाइज में, इनमें से कोई एक चीज़ पकड़ लीजिए फ्रीलांसिंग में, अर्न करना चाहिए, स्टार्टअप करना, उसके लिए अर्निंग आ रही है, कितना अच्छा रहेगा। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं वो है, लास्ट है कमेंट्स। कमेंट्स बहुत स्कोप है, बैकलिंक्स बनाने होते हैं। आइए स्क्रीन पे देखते हैं कि लोग बैकलिंक्स बनाते हैं यार। मैं आई विल मेक क्वालिटी डू फॉलो बैकलिंक्स यूजिंग फॉरम, ये सब चीज़ें लोग कर रहे हैं, कमेंट्स करने होते हैं। बस एक इनमें से एक स्किल पकड़ना, आसानी से उसमें करना, इसके अंदर आप देखो कितना अच्छा अर्न कर सकते हो, वो 1950 रुपये, ये सब चीज़ें अर्न कर सकती हैं, आपको अर्निंग दे सकती हैं, बशर्ते आपको बस एक पकड़ के उसमें काम करना है। पहला क्लाइंट नहीं मिलता आसानी से, उसके अंदर वर्किंग करते रहना पड़ता है, तब जाके आप आगे बढ़ सकते हो। सो वही क्लाइंट आपको आगे काम दे सकता है यार, कि आपको आगे काम मिलता रहेगा, डेटा एंट्री का काम मिलता रहेगा, तो आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ती वेबसाइट पर कि हाँ यार वेबसाइट पर फ्रीलांसिंग काम और होना, तो बार बार जरूरत नहीं पड़ती। कुछ क्लाइंट फिर उसके बाद साथ साथ काम छोड़ दिया, कुछ और पकड़ लिए और अर्निंग होगी तो उसको शायद छोड़ दिया फ्रीलांसिंग काम को। तो ये सब चीज़ें आप देख सकते हो, कोई एक पकड़ना, उसके अंदर काम करना, उसके अंदर अच्छे से काम करना और आप अच्छे से अर्न करना शुरू कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, आप बहुत मोटिवेशन हेल्प करने में, तो आसानी से चीज़ें सीखें और स्किल नहीं है ये, फिर आ रहा हूँ, ये सब स्किल नहीं है, आप आसानी से सीख सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बने रहिए साथ, कीप इट अप।